तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का जो इंटरनेट ब्राउजर होता है बीटा वर्जन वाला, दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ नए फीचर को एड ऑन किया गया है। क्या नया अपडेट है, क्या नया फीचर एड ऑन किया गया है, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो इंटरनेट ब्राउजर होता है बीटा वर्जन वाला, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ नए फीचर एड ऑन किए गए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जहां आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे जाएंगे तो आप देखेंगे नया अपडेट आपको अवेलेबल मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे इसका वर्जन नंबर है 20.0.0.36, और इस अपडेट को रोल आउट किया गया है 22 दिसंबर 2022 को रोल आउट किया गया है, जिसका साइज है 1092.5, मतलब कि 110 MB का ये अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए आप, तो यहाँ पर दो नए फीचर एड ऑन किए गए हैं, लाइक बुकमार्क फोल्डर सर्च एंड टैब ग्रुप सर्च का सपोर्ट मिल गया है, और साथ में डिलीट हिस्ट्री विद डिजाइन पीरियड सपोर्ट आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो उसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट होने के बताता हूँ क्या क्या नए चेंजेस यहाँ पर किए गए। दोस्तों, हो चुका है अपडेट। अपडेट करने का जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज मिलने वाली है, स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। इंटरनेट नाउ ब्लॉक कंपनी फॉर ट्रैकिंग वेयर यूर गो टू वेब, यू कैन टर्न स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग ऑफ इन प्राइवेसी सेटिंग। यहाँ पर क्या है, स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग को ऑन कर दिया गया है, ताकि आपको कोई भी ट्रैक ना कर सके। अगर आप चाहें तो उसको प्राइवेसी सेटिंग में जाके ऑफ कर सकते हैं। तो आपने कर दिया इसको कंटिन्यू। यहाँ पर जो सबसे पहला जो फीचर दिया गया वो है बुकमार्क फोल्डर सर्च एंड टैब ग्रुप सर्च वाला सपोर्ट वाला आपको ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अगर आप जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रुप बना रखा है, और यहाँ पर मैंने एक बुकमार्क भी डाल रखा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ को सर्च करूंगा, कोई वेबसाइट को जो भी मैंने खोल के रखी है, तो आप देखेंगे वो ग्रुप में भी सर्च हो जाएगी, और कोई फोल्डर में होगी तो उस फोल्डर में भी वो सर्च हो जाएगी। आप देखेंगे जैसे ये सर्च हो चुका है और ये खुल भी गया है, तो आप यहाँ पर ऐसा यूज कर पाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पर अमेजोन लिखता हूँ, जो कि मैंने वहाँ पर बुकमार्क में डाली हुई है, तो वो वहाँ पर बुकमार्क पे भी खुल जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसे सर्च करेगा, चाहे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे तो भी वो सर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम योर ब्राउजिंग सर्च हिस्ट्री भी बता देगा, नीचे आपके यहाँ पर आपने यहाँ खोल के रखा है वो बता देगा, और नीचे अगर आपने बुकमार्क बनाया हुआ तो भी आपको यहाँ पर ये बता देगा। तो एक्चुअल में ऐसे वर्क करने वाला है। यहाँ पर दूसरा फीचर दिया गया है डिलीट हिस्ट्री विद इन डिजाइंड पीरियड सपोर्ट। आपको यहाँ पर डिलीट हिस्ट्री का विथ इन डिजाइन सपोर्ट ऑप्शन दे दिया गया। तो आप यहाँ पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ थ्री डॉट्स पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे हिस्ट्री में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको डिलीट करने के लिए एक अलग से ऑप्शन दे दिया गया। यहाँ थ्री डॉट्स पर जाएंगे और डिलीट पर जाएंगे, तो आप यहाँ पर लास्ट ओवर कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट ओवर करना चाहे तो लास्ट ओवर कर सकते हैं, कस्टम करना ऑल टाइम करना चाहे तो ऑल टाइम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यस्टरडे कर सकते हैं, टूडे कर सकते हैं, और ये यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया, जो कि पहले नहीं आते थे, अब ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है। दोस्तों, यही नए अपडेट थे यहाँ पर अलॉट किए गए, जो कि मैंने आपको बताया। और आप चाहें तो यहाँ से भी जाके उसको डिलीट आउट कर चाहें तो यहाँ से भी जाके उसको डिलीट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आपको बट टू डे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ जाएंगे थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर प्राइवेसी पे, यहाँ जाना है पर्सनल ब्राउजिंग डाटा पे, यहाँ जाएंगे डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और अच्छी मिलेगी, आप फ्रॉम एंड सर्च हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकते हैं, और कुकीज़ और इन सब चीज़ को यहाँ पर आप डिलीट आउट कर सकते हैं। दोस्तों, यही नए अपडेट था जो कि सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर बीटा वर्जन की तरफ से था, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इंटरव्यू रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों।